हेलो एवरीवन, आप सबका केमिस्ट्री की दुनिया में वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल का नवंबर 2023 का पेपर। देखो, अब जो पेपर डिस्कस करते हैं इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है। बोले इसमें 30 क्वेश्चन है, बट हम इसके डिटेल भी डिस्कस करेंगे। जिस जिसके पास कुछ क्वेश्चन होता है डायरेक्टली है कि ये चीज पूछी है, उनकी डिटेल ही डिस्कस करेंगे, पर जिस जिसकी डिटेल हम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उन सब के एग्जाम करेंगे। तो यानी आज आपके सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, इसके साथ ओवरऑल आपका रिवीजन भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम पूछने वाले हैं आपसे क्वेश्चन और साथ साथ आपकी एनालिसिस की जाएगी, देखिएगा कि आपको कितना स्कोर आता है। अब देखो, चाहे आप मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के, केमिस्ट्री तो सिलेबस सेम है, कोई वेरिएशन नहीं, तो दोनों के लिए ही ये पूरी की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखो, अगर आप कितने बार पेपर हुआ है कैलकुलेशन की जाए, मैं कर लेती हूँ, तो देखो कैलकुलेशन की जाए तो अभी तक हम देखें तो 17 बार पेपर हुआ है, राइट? सो 17 × 30 कर दो, ठीक है, मतलब 30 क्वेश्चन हर बार आए हैं, सो हो गए 510, राइट? तो 510 क्वेश्चन, और अगर हम डिटेल शेयर करते हैं तो इसके चार गुना कर लो, तो ओवरऑल मतलब 2500 क्वेश्चन हम, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं तो वहीं से हो जाएंगे, और ऊपर से टॉपिक अलग क्लियर, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे अगर आप इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही डिटेल में पढ़ते हो। ओवरऑल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, मेडिकल के भी करो नॉन मेडिकल के भी करो, दोनों के करो, 5-7 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो 5-7 हजार क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएंगे। देखिए, क्योंकि कई कई बार ना पता क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, वो तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन आएंगे वो भी सही हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर वीडियोस देखो, अगर मैंने मतलब कुछ वीडियोस अपलोड भी हैं यूट्यूब पे, कुछ अगर आपको डायरेक्ट मतलब जो भी आपको मिल रहा है कंटेंट, इनको पढ़ो डिटेल में, एक से दो बार देख लो जब भी आपको टाइम मिलता है, तो देखो कितना अच्छा आपका स्कोरिंग में इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो गैस दैट कैन नॉट, अगर आपको चेक करना हो, देखो अब आप बोलोगे सीरीज, सीरीज आपको पता ही है कि कोई भी हो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, आगे पीछे होते हैं। बाकी बात करें मतलब पेपर को भी आप चेक कर सकते हो, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, वहीं से मैंने उठाए हैं। तो बात करें गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, बाकी सारी गैसेस ऑप्टेन की जा सकती है, सिर्फ SO2 गैस को हम ऑप्टेन नहीं कर सकते, राइट? नाइट्रोजन हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा गैसेस के अमाउंट में पाई जाती है, ऑक्सीजन क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, पूछा जाता है बताइए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी ऑक्सीजन पाई जाती, कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन। अब देखो ऑन हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए ओजोन, देखो गैसियस है, कोई भी गैस है, कॉमन सेंस है, बहुत सारे क्वेश्चन भी कॉमन सेंस है, गैस है, पार्टिकल मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम इंक्रीज ही करेगा। अच्छा बताओ, हमारे एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं, तो ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट होती है, रिमेन अनचेंज आएगा, इंक्रीज करेगा, राइट? ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये पता लग गया। सो O3 इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। फिर बात करें मटेरियल यूज इन सोलर सेल, आपको पता है सोलर सेल क्या आता है, इसका आंसर कर दो तब तक। सोलर सेल का रोल प्ले होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना, तो इसके लिए सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, जो जस्ता एक एलिमेंट के बने होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट के बने होते हैं, तो ऑब्वियसली सिलिकॉन इसका सही आंसर है, सिलिकॉन के साथ और अलग अलग एलिमेंट होते हैं। बाकी बात करें सीजियम, सीजियम का सबसे बड़ा साइज होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अगर हम ग्रुप, अच्छा मुझे बताओ सीजियम किस ग्रुप में आता है, तो देखते हैं अगर पीरियोडिक टेबल लर्न भी है या नहीं, सीजियम पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आता है। अब बोलोगे बाकियों का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो औरों का साइज बड़ा, उनके क्यों सीजियम का है,
देखो अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो सीजियम सबसे, या डाउन में जाएंगे तो साइज, तो सीजियम सबसे डाउन में एग्जिस्ट करता है और इस साइड में सबसे पहले आता है, इसलिए सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है। अच्छा मुझे बताओ सबसे हाई डेंसिटी किस मेटल की होती है, सबसे हाई डेंसिटी किस मेटल की होती है? चलिए इसका ऑप्शन देना पड़ेगा, लिथियम, ऑस्मियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, मर्करी। राइट, ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम की सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव जीरो एंट्रॉपी। एंट्रॉपी क्या होती है? एंट्रॉपी होती है रेंडमनेस। देखो थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। किस लॉ में ये बोला था कि अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दें तो एंट्रोपी जीरो हो जाएगी? किस लॉ में ये बोला गया है? अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें कंसेप्ट को तो समझना पड़ेगा, तो बताएंगे किस लॉ में ये बोला गया है, बताएंगे? क्वेश्चन आता है, तीन लॉ हैं। एक बोलते हैं नेवर बी मास कैन, मतलब एनर्जी कैन कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। दूसरा बोलता है, दूसरा लॉ मतलब एक लॉ बोलता है कि एंट्रोपी बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ज्यादा बढ़ेगी, एक लॉ बोलता है कि एंट्रोपी जीरो होगी। ठीक है, तो क्यों होगी? जब ठंड होगी, टेम्परेचर लो होगा, तो ये थर्ड लॉ बनता है। सो ठीक है, तीनों लॉ अभी किया नहीं हमने टॉपिक बट करेंगे। सो इस केस में आंसर बन जाता है आपका सीओ, ठीक है, CO2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। और एंट्रोपी का ये नोट डाउन कर लो, देखो अब ना आप नोटबुक अपने साथ रखो, ठीक है, जो भी मैं यूनिट बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, इनको नोट डाउन करते रहो, जिससे ना जब आप इनके क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। पीडीएफ भी दे दूंगी मैं इनकी, फिर आंसर दूंगी, पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप कर लेना। जैसे एंट्रोपी है, एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है? एंट्रोपी का सिंबल होता है डेल्टा एस। यूनिट क्या बनते हैं? जूल पर कैल्विन पर मोल, ये याद रखना, जूल पर कैल्विन पर मोल। अब आता है नेक्स्ट, व्हाइट फॉस्फोरस स्टोर्ड इन। सो व्हाइट फॉस्फोरस है वो अंडर वाटर स्टोर किया जाता है, बाकी सोडियम को कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, याद रखिएगा। अब जैसे माचिस है, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, माचिस है, माचिस का जो रफ एरिया है इसमें फॉस्फोरस ही होता है, पर ये क्वेश्चन आता है कि रेड फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस। एक ना बहुत एक्टिव था पहले, फिर उसकी जगह चेंज करके हमने दूसरा कर दिया, तो क्या होता है? ठीक है, माचिस की तीली में रेड फॉस्फोरस होता है क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और एक्टिव, अब इतना एक्टिव होगा तो माचिस में तो ऐसे ही आग लग जाएगी, तो इसके कारण रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। अच्छा मुझे बताओ फॉस्फोरस पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है और उस ग्रुप का नाम क्या है? मैंने बोला था ना ग्रुप्स के नाम याद रखने। अब देखो एकदम दिमाग में एक्टिवनेस आ रही होगी कि अच्छा कहाँ पे आता होगा, क्या चीज आती होगी, किस ग्रुप में है? ग्रुप 15, ठीक है, क्या बोलते हैं? पनीकोजन। रिवाइज कर लिया, नाच परी ऐसे सबके बीच। क्रिस्टेलोजन हमारा ग्रुप 14 होता है, ये क्योंकि उसके सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स बनते हैं। अब लेड पेंसिल, इसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेड पेंसिल में कितना परसेंटेज लेड होता है, क्या होता है? तो लेड पेंसिल आपको पता है ग्रेफाइट की बनी होती है, लेड तो 0% होता है। और ये किसका एलोट्रॉप है? ये कार्बन का एलोट्रॉप है। वैसे कार्बन क्या है? नॉन मैटर, और नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती, ये नॉन मेटल का एलोट्रॉप लस्ट्रस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हैंसनबर्ग रिएजेंट। हैंसनबर्ग रिएजेंट की बात करें तो ये आता है फर्स्ट, ये नया वर्ड है, नया भी नहीं है, पीरियोडिक टेबल के नोट्स देखोगे तो उनमें ये चीजें लिखी हैं। मुझे पता है ये जो केमिकल नेम होते हैं ना, हमें कितने भी लर्न करो थोड़ा बहुत भूल ही जाते हैं, बट अगर आपने पढ़े हूं तो ऑप्शंस देख के हमें चीजें याद आती हैं, पर कभी पढ़े ही नहीं हो तो कभी याद ही नहीं आएगी चीजें, ये ध्यान में रखिएगा। तो C6H12O6,
H5SO2Cl, बोलो मेरे साथ, इसे हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के नाम से हम इसे जानते हैं, एंजनबर्ग रिएजेंट, राइट। चलो नेक्स्ट, विटामिन, ये तो आंसर आप ही करोगे, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। विटामिन का क्वेश्चन मैंने बोला था ना, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जीके हो, एसिड का क्वेश्चन केमिस्ट्री हो बायो हो, किस सब में पूछा जाता है। हाँ, ये तो किसी का सही, मतलब अब चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विटामिन बी, ठीक है, क्या बीमारी होती है इससे, बेरी बेरी, कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। अब चलो, एस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल, किस विटामिन में पाया जाता है, अब तैयार रहना तीनों के आंसर करने हैं। सो एस्कॉर्बिक एसिड किसमें है, विटामिन सी। क्या बीमारी होती है, स्कर्वी। रेटिनोल किस विटामिन की कमी से होता है, मतलब कमी से नहीं होता, किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है, ए। क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया, जिसकी वजह से कलर को लेके प्रॉब्लम आती है। टोकोफेरोल किसका साइंटिफिक नेम है, के या ई, के। तो ये देखो क्या है, के का है, तो टोकोफेरोल, डी का कैल्सिफेरोल है, तो ठीक है, इसमें ना एक चीज लिखनी है, तो क्या आ जाएगा आपका, तो क्या आएगा, ई का है या के, के का क्या है, तो फाइलोक्विनोन, के का है फाइलोक्विनोन और ई का है टोकोफेरोल, याद रखिएगा। और के होता है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम और ई होते हैं स्टरिलिटी की प्रॉब्लम, दोनों चीजों को याद रखिएगा। सो नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखा है साइंटिफिक नेम लिखे हैं और इनके डिजीजेस क्या क्या होती हैं वो भी, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और बी ट्वेल्व का पूछा जाता है, अच्छा बताओ बी ट्वेल्व में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, उसके नाम में ही एलिमेंट है, B1, B2, B5 एंड B12 ज्यादा पाए जाते हैं, तो क्या आता है, कोबाल्ट। क्या नाम है, साइनो कोबाल्ट। देखो अब पता है क्या है, अब देखो इस चैप्टर में भी है, अभी मैं देख रही थी 2022 में दोनों पेपर, दो पेपर हुए, दोनों पेपर में विटामिन से क्वेश्चन है, इसमें भी दोनों पेपर हुए हैं 2023 में, दोनों में विटामिन से क्वेश्चन है, एक में साइंटिफिक नेम पूछ लिया, एक में बीमारी पूछ ली है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है मार्शल एसिड, तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8 और एक क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बाकी एक और फॉर्मूला आता है H2S2O7, इसे हम अलम का नाम देते हैं। तो दो क्वेश्चन अलग अलग वे से पूछे जाते हैं, अलम और मार्शल। देखो तो खास करना, अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं लिखने होंगे तो जो फॉर्मूले फॉर्मूले हैं वो लिख लो, ठीक है, मैं टाइम दूंगी। जो ऑप्शंस में फॉर्मूले के नाम है कुछ डिफरेंट है, कुछ तो देखो O6 थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं वो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो थोड़े थोड़े नेम है इन्हें नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब ना आप रिवाइज करने लगोगे तो एक जगह पे सारी चीजें होंगी तो वहां पे आपको पढ़ना आसान होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपको पढ़ना, आपको लगेगा पता नहीं क्या है कैसे है, तो एक जगह से चीजें पढ़ लो, हो गया। फिर आता है फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये दिया था हेनरी बैक्वर्न। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, मैडम क्यूरी ने डिस्कवर की थी रेज के बारे में, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, मतलब और इनकी वजह से इनको कैंसर भी हो गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सॉल्पेटर, लिख लो, मैं आपको टाइम दूंगी, ठीक है, मैं टाइम दूंगी अभी आपको कि आप लिख लो, इतना टाइम दूंगी ताकि आपका मतलब आप देख भी पाओ कि क्वेश्चन क्या क्या है, ऐसा ना हो कि हम मैं फटाफट बोल रही हूँ आपसे लिखा भी नहीं जा रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। तो लिखो चाइल्ड साल्टपीटर, चलो पहले हम लिख लेते हैं औरों के नाम, तो क्या क्या नाम आए हमारे पास अभी, सो राइट फर्स्ट आपके पास ये नाम आया जो मैं जो लिखाऊंगी वो लिख लेना है साथ में, हैंसबर्ग रिएजेंट, लिखो हैंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl। अब इन आपका काम रहेगा कि आपको इनके यूजेस लिखने हैं। दूसरा नाम लिखो मार्शल एसिड,
एसिड H2S2O8, और तीसरा नाम लिखो एलम का H2S2O7। फाइलोक्विन, द फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? ये है, गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, मतलब वाटर से हम किसका रिएक्शन या डायरेक्टली हमें नहीं ऑप्टेन होती, बाकी ऑप्टेन हो जाती है, SO2 नहीं होती है, ये क्वेश्चन था राइट right? तो ठीक है, मतलब रिएक्शन करके अलग अलग फॉर्म में से है, ये नहीं ऑप्टेन होती, डायरेक्टली नहीं ऑप्टेन होती, ऐसे तो ऑप्टेन हो जाएगी बट डायरेक्टली ऑप्टेन नहीं होती। सो नाउ आता है चाइल साल्टपीटर। तो चाइल साल्टपीटर का फॉर्मूला रहता है सोडियम नाइट्रेट, लिख लो क्या आता है, सोडियम नाइट्रेट, बस ये याद रखिएगा। और ये लिखा जाता है, मतलब कई बार ना सोडियम साल्टपीटर ऐसे करके भी नाम आते हैं, पर ये दो बार आया है क्वेश्चन, पहले वाले पेपरों में मिल जाएगा आपको, जब मैंने 50 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड की पीडीएफ आपको दी है ना, तो वहां पे आप इसको देख लेना। तो ओके नाउ डिटी बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, क्या मैंने फर्स्ट क्वेश्चन गलत एक्सप्लेन किया? वैसे तो मैंने चेक करके किया था, देखो चलिए देखो, अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, कोई क्वेश्चन अगर मैंने गलत मतलब बोल दिया कि इसका आंसर ऐसा है, तो भी बता सकते हो कि हाँ मैम ये पॉइंट गलत है, सो हो सकता है फटाफट मैं कोई भी करेक्ट, वैसे तो सही ही बोलूंगी, बट बाई चांस अगर एक आधा पॉइंट गलत होगा तो उसको भी बता सकते हो आप राइट। चलो आयनिक बॉन्ड होते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आते हैं, दूसरे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, तीसरे होते हैं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं कि अब देखो ऑक्टेट रूल के हिसाब से किसी ने बोला, मतलब कई बॉन्ड कंपाउंड ऐसे बन गए जिनमें ऑक्टेट रूल ने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, बट कुछ बॉन्ड ऐसे बने जो 10 के बन गए, कुछ 15 के बन गए, कुछ कम के बन गए, तो वो किस कंसेप्ट के हिसाब से, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से, मतलब डिटी बॉन्ड के हिसाब से बने कि बैक बॉन्डिंग करता है जिसकी वजह से ये कंसेप्ट काम करता है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए SO2 3। ये कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि अमोनियम बोरो ट्राइफ्लोराइड बनता है, फिर HClNH3 का बनता है, H2OHCl का बनता है, Al3 का बनता है, बहुत, पर ना ये ना परमानेंट बॉन्ड नहीं होते, ये शॉर्ट टाइम के बॉन्ड होते हैं जो बीच बीच में बनते हैं, याद रखिएगा। और मतलब ये कोऑर्डिनेशन के लिए बनते हैं, फिर स्टेबल हो जाते हैं अपने फॉर्म में जब रोल पे हो जाता है। अब टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव फाउंड इज एप्लीकेबल, तो मुझे बताएंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया किसने था, ये तो कैल्शियम तक एवले, तीन क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, फर्स्ट इस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर थे और कहां तक था, तो ये तो पता लग गया कि कैल्शियम तक अवेलेबल था, दिया न्यूलैंड में था, कितने एलिमेंट इस टाइम तक डिस्कवर थे, तीन टाइप के क्वेश्चन, कितने एलिमेंट इसके उस टाइम पे डिस्कवर थे, तो तीज ही आ जाता है 56 थे, हाँ 56 58, कुछ कुछ जगह आपको 58 भी दिखेगा पर मैक्सिमम जगह 56 आता है। सो ऐसे, और फिर हमारे कौन आते हैं, मेंडलीव आते हैं, उस टाइम तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन सेल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ, जो मतलब देखो नेल्सन सेल जो होता है वो क्या काम करता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में मदद करता है, इसके लिए ये स्पेसिफिक टाइप का एक प्रोसेस होता है वो किया जाता है जिसमें हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जल्दी से बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अदर नेम, ये है मेटल, तो मेटल के हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक,
तो इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है कि हाँ इसे हम इस नेम से जानते हैं। तो वो कौन सा है? वो आ जाएगा कॉस्टिक सोडा। रिपीट, देखो लिख लो इसको, नेंसल नेंसल सेल तो नहीं लिखना है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बताओ इन चारों ऑप्शन में से साबुन बनाने के लिए, सॉल्वेशन प्रोसेस के लिए कौन सा यूज होता है? एक तो कट गया, अब तीन बचे, ये तो बताइए, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट, राइट। और कितने हाइड्रेटेड होता है, ये क्वेश्चन आता है, 10 हाइड्रेटेड। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन, बहुत बार करवा दिया मैंने ये, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मीथेन, ये थोड़ा सा अलग सा है, तो याद रखिएगा 111 रहता है कैल्विन में, माना यही चीज सेल्सियस में पूछी जाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखिएगा अगर किसी और आपको एक स्केल का पता है तो दूसरे स्केल में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? देखो अब देखो हर जगह पानी तो नहीं छिड़क सकते, हाँ ठीक है आग लगी पानी छिड़क दो, इलेक्ट्रिक चीजें हैं, पानी छिड़क दिया तो वो डेंजरस हो जाएगी, तो वो सिलेंडर रखे जाते हैं लैब्स में हर जगह। तो अब उसको बुझाने के लिए मेन होता है उसमें सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो उनसे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही बना? ऑप्शन ए। अब सोचना है, माना अब सेम एज इट इज आपको पेपर आ गया, तो आप कितना स्कोर कर पाओगे? मेनली ना जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तो हम उतना डीप पढ़ के नहीं करते, याद रखिएगा, पर डीप पढ़ के करोगे तो आप देखोगे सतारह बार पेपर हुआ है, अगर सतारह एक हर बार से एक एक क्वेश्चन भी आया तो सतारह क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, पास तो आप आराम से हो जाओगे। बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल में से रिपीटेड हो गए क्वेश्चन, तो हो सकता है, क्या पता, अब हम ध्यान नहीं देते हैं, बट हो सकता है कि पुराना ही पेपर एक एक क्वेश्चन हर पेपर से उठाएंगे तो भी आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। मेडिकल हो नॉन मेडिकल, उनको क्या पता कि मतलब मेडिकल वालों को, मेडिकल वालों ने नॉन मेडिकल का देखा है, नॉन मेडिकल ने मेडिकल वालों को देखा है, तो हो सकता है नॉन मेडिकल वालों को मेडिकल वालों के पेपर आ जाए रिपीटेड, कोई पांच चार पांच क्वेश्चन एक पेपर से आ गए, चार पांच क्वेश्चन दूसरे पेपर से आ गए, तो किया हो पेपर तो डायरेक्ट सही हो जाएंगे, तो नए टॉपिक तो आते नहीं है, एक बार ये चीज पूछ ली दूसरी बार दूसरी चीज पूछ ली जाएगी उस टॉपिक से, राइट। मिस्ट, देखो कोलोइड के बारे में समझेंगे, ये पूछा गया मिस्ट किस किस टाइप का एग्जांपल है, तो कोलोइड एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो ग्रीक वर्ड कोला से लिया गया था, जो मतलब पास हुए फिल्टर पेपर बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते। सो कोलोइड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ये बने होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन में, डिस्पर्स फेज होता है स्मॉल अमाउंट, मीडियम होता है वो डिजोल्व होता है, सॉलिड सॉलिड में मिक्सचर है। देखो ये जो चार्ट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जीके में भी क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और जीके इजी आ जाए तो एक दो क्वेश्चन साइंस लेवल के ही पेपर में आ जाते हैं, तो सोचो कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, चाहे जैसे मर्जी याद करो, पर कर सॉलिड सॉलिड सोल बनता है, सॉलिड इन लिक्विड, मीडियम मतलब ज्यादा अमाउंट, ठीक है, तो सोल पेंट और फ्लूइड सेल्फ फ्लूइड में, सॉलिड इन गैस एरोसोल, लिक्विड इन सॉलिड जेल, लिक्विड इन लिक्विड एमल्सन, जिसमें मिलर क्रीम वगैरह जो आ जाती है, लिक्विड इन गैस एरोसोल, फॉग बनती है, मिस्ट है तो ये क्या है एरोसोल, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, इन सब में तो ये है लिक्विड इन गैस, फॉग स्मोक बहुत बार आते हैं, गैस चाहे गैस सॉलिड में है चाहे सॉलिड गैस में है बनेगा सोल, गैस इन लिक्विड फोम बनता है, तो हमारा यहाँ पे सही हो गया, सो एरोसोल। तो देखो अब जस्ट इस बार ये क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट टाइम इस चार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये चार्ट आपके माइंड में से छपा होना चाहिए क्योंकि इससे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, As2H3, आपको लगेगा ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा है बट इतना भी नया नहीं है, तो ये आ जाता है आपका
क्लोराइड। ठीक है, ये देखो मेन इसका मतलब हेलमेंट मतलब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया गया था, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा नेगेटिव क्लोराइड। कुछ चीजें मैंने इसमें नोट डाउन करके लिख दी, मतलब अरेंज कर दी है ताकि आपको पढ़ना हो तो याद रखो। अब देखो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ गया है, विच डज नॉट बिलोंगिंग टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसके लिए तो सीधी सी बात है, पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी आती है, ट्रांजिशन की बात की गई है, सीधी बात नहीं की गई है। तो ये तो इसमें से देखो, देखो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, कैसी ट्रिक थी, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट, राह पे आगे कूद जा। तो देखो इसमें फर्स्ट वर्ड क्या है, वाई और टीई। वाई तो है पर टीई नहीं दिख रहा। चलो बाकी ऑप्शन देखो, सी डी और ए यू। तो सी डी है, ए यू तो हमारा नीचे है, ठीक है। सो और टी सी इसमें है, तो यानी कौन सा नहीं है, ए यू नहीं है, नॉट बिलोंगिंग टू पूछा था ना, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ 0.0 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एनिओस। देखो मोलर सॉल्यूशन की बात करें कितना है, 0.01 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन की 0.0 मोलर, मतलब 10⁻²। अगर इसको बैलेंस करके देखिए, ओ एच लॉग ओ एच, ओ एच की वैल्यू क्या आ गई 10⁻², 2 log 10 दो वैल्यू आ गई। पी एच प्लस पी ओ एच 14, 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका इक्वेरियम वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, क्योंकि पीएच वाले कंसेप्ट वहां पे देखो, अगर ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि अगर आप बहुत न्यूमेरिकल करेंगे तब इस चीज को कर पाओगे, इसलिए प्रीवियस ईयर में कोई भी न्यूमेरिकल है उनको छोड़ो मत, उन्हें पढ़ लो। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप सही कर दोगे इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विनल। इक्विनल ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये तो सेम एज इट इज बायो और केमिस्ट्री पे दोनों का चैप्टर है, क्वेश्चन आता है। तो ये आता है आपका ट्रांसपोलाइजर। अगर हम बात करें एनर्जेस्टिक, ये पेन की रिलीफ करने के लिए होता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए होता है। एंटीसेप्टिक भी बैक्टीरियल के लिए होता है, बट ये आउटर एनवायरनमेंट के लिए होता है। इक्विनल वाला क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयरों से उठाया है, शायद पहले किसी पेपर में आया है, पता नहीं किस ईयर में आया, बट स्टिल आया है ये पेपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन। तो एनिलीन जो प्योरीफाई किया जाता है, ये स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से यूज किया जाता है। देखो अभी ना हम प्रीवियस ईयर काफी पेपर डिस्कस करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के लिए एक 2-3 पेज अलग से अपने स्टेपल कर लो या रख लो, कि जिसमें जितने भी केमिकल नेम होंगे, वैसे तो मैंने जो 50 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड उसमें लिखे हैं सारे नेम, बट कभी किसी के नहीं है तो मतलब अब अपने हाथों से लिखोगे तो ज्यादा याद हो जाएंगे। तो जितने भी हम पेपर करेंगे उनमें केमिकल नेम आते हैं, या जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो उनमें जितने नेम आएंगे वो सारे आप केमिकल नेम अपने अलग से नोट डाउन कर लो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो एनिलीन स्टीम डिस्टिलेशन से होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, लिक्विड लिक्विड का अलग होता है मिक्सचर, और वो भी ऐसे जिनसे डिस्टिलेशन मेथड होता है यूज, लिक्विड लिक्विड का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, ये इस उन मेथड में यूज किया जाता है जहां पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, राइट। गैमी हेक्सेन लिख लो इसको, गैमी हेक्सेन, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है गैमी हेक्सेन। 3-4 नेम है अभी और, तो गैमी हेक्सेन आता है, इसे हम क्या नाम है, C6H6Cl6, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं BHC, BHC की फुल फॉर्म आती है बेंजीन, ठीक है, हेक्सा क्लोराइड, लिख लो इसे, क्योंकि कहीं पे भी ना आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे सारी चीजें इकट्ठी नहीं दी जाती,
याद रखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, तो आपको पता है सब में एक बैलेंसिंग स्टेट आ गई, तो इसमें हेक्सा क्लोराइड है, तो क्लोरीन भी 6 है, तो बाहर की साइड को ये क्लोरीन अटैच हो जाएंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सो अब लिख लो, चाहे BHC से BHC लिख लो, फिर लिखो इसको हम गैमी हेक्सेन बोलेंगे, और इसकी फुल फॉर्म लिखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड केमिकल नेम लिख लो। अब देखो एक बार ये आ गया, अगली बार BHC से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि BHC मेन इंसेक्टिवोरस के लिए यूज किया जाता है, इंसेक्ट्स को किलिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो मैंने वो चीजें भी बताई, मतलब मैंने उस तरीके से क्वेश्चन बताया है कि यही चीज आई है पहले, ये आएगी बाद में, और इस बार इस वे से आई है, तो दूसरी बार इस वे से आएगी, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो इसको भी, कैलेमेल फॉर्मूले है डायरेक्ट डायरेक्ट, तो कैलेमेल का फॉर्मूला होता है Ag2Cl2। क्या होता है? Ag2Cl2, टाइम दूंगी लिखो आराम से, Ag2Cl2 केमिकल नेम। तो देखो इसी चैप्टर में 5-6 केमिकल नेम आ गए, और अगर आप 5-6 हर पेपर से करते हो तो कितने ज्यादा आपके पक्के हो जाएंगे, और इन्हीं से चीजें आएंगी, और ये पहले आए हैं, ऐसा नहीं ये फर्स्ट टाइम है, ये केमिकल नेम पहले भी आ चुके हैं, देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर। पर्पल ऑफ कैल्सियम मतलब इज कोलॉइड सोल ऑफ, तो ये कोलॉइड सोल होता है गोल्ड का, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नायलॉन 6 नॉट 8। देखो नायलॉन 6 क्या है? पॉलीमर, पॉलीमर है, बना किससे होता है? ये बना है हेक्सामिथाइल डायमिन, ठीक है, हेक्सामिथाइल डायमिन और एडिपिक एसिड दो से मिलके बना है, मतलब पूछा जाता है मोनोमर यूनिट क्या है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है कि दो चीजों को मिक्स करेंगे तो स्मॉल अमाउंट में, पॉलीएमाइड है, अलग अलग पॉलीमर इसमें मोनोमर यूनिट है, तो को पॉलीमर है, एंड ये होमोपॉलीमर नहीं है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है सिर्फ एक ही टाइप से मिलके बना है, पर ये नहीं बना तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम डबल एवरी 10 डिग्री। देखो 10 डिग्री बढ़ाओगे तो रिएक्शन डबल हो जाएगा, ये चीज बोली, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज रेज 50 डिग्री, देखो 10 डिग्री पे डबल हो जाएगा, तो 10 10 अगर 5 बार करें मतलब 50 डिग्री तक, तो 2 4 5 6 7 8, तो इतना टाइम बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सो अगर हम माने, देखो 50 डिवाइडेड बाय 10 किया, कट गया 5, आंसर आ गया, तो 2 × 5, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो हमारा आंसर। देखो अभी मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो 64 आएगा, तो ये मैंने रॉन्ग किया है क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 टाइम है ना, रुको 1 सेकेंड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 ही होते हैं, ठीक है राइट है ना? हाँ अगर इसको हम 6 टाइम कर देंगे ना तो फिर 64 आ जाएगा, राइट? सो नाउ विच इज द एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड। देखो एनओ का नाम देते हैं हम, एनओ को बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा, पता नहीं कितनी बार आते हैं, नाइट्रिक एसिड, N2O को नाइट्रस एसिड लिख लो इनके नाम, ठीक है, जिन केमिकल के नाम बोलती हूँ लिख लो, वो लिख लो, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, और ये भी हमारा नाइट्रस एसिड आ गया क्योंकि एक बढ़ रहा है, फिर हमारे पास सॉरी ये नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाने जाएंगे, और एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड आ जाएगा N2O3, और N2O4 आ जाएगा डाई नाइट्रोजन के, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये 4 नाम, NO नाइट्रिक एसिड, N2O नाइट्रस एसिड, N2O3 एनहाइड्रस नाइट्रस एसिड,
और सॉरी इसको ऑक्साइड लिख देना, N2O4 डाइहाइड्रो नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। नेक्स्ट, कितने क्रिस्टल सिस्टम है, ये हमारे सॉलिड स्टेट्स हैं, तो टोटल होते हैं 7। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग होती है, देखो क्यूबिक है मतलब लैटिस टाइप, इसके थ्री थ्री मतलब 3, 4, 5, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 इसकी लैटिस सिस्टम बनते हैं। बट 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल आते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिकल, ट्राइक्लिनिकल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। ये पता क्या है, एंगल, ये डायरेक्शन दी हुई है ए बी सी, और ये एंगल दिए हैं, इनके बेसिस पे अलग अलग बॉन्ड बनते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, अलग अलग शेप बनती है। तो ये टोटल कितने आ गए, 7 आ गए। और अगर इसके पूछा जाए लैटिस सिस्टम कितने बनते हैं, तो 15 इसके लैटिस सिस्टम बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन तो सही हो गया। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ ए अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैटिनम इन द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट पूछा था, कुछ ज्यादा नहीं था, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में है, तो जीरो। ये केमिकल काइनेटिक्स से है चैप्टर, तो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर काफी मतलब या तो बहुत डीप है या कंसेप्ट है, मेन इससे इसके यूनिट पूछे जाते हैं, तो यूनिट को आप अलग से लिख लो, ठीक है, यूनिट लिख लो। जीरो ऑर्डर के लिए रहता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहता है पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर के लिए रहता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है, ये तीन चीजें, यही चीज बार बार पूछी जाती है, इसके अलावा नहीं आती चीजें। फॉर्मूले आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, न्यूमेरिकल बहुत टिपिकल आ जाएगा, तो उसको थोड़ा बहुत हम स्टडी करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। सो ये तो था आपके आज के पेपर के बारे में। सो आई होप चीजें पढ़ी होंगी, आपको समझ आई होंगी। तो क्वेश्चन था मतलब इसमें जनरल क्वेश्चन था, बेसिकली डिकम्पोजिशन किया आपने अमोनिया ऑन द सर्फेस ऑफ ए प्लैटिनम, तो किस ऑर्डर, किस टाइप का रिएक्शन है, तो सिर्फ एक ही बारी में किया, कोई ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से नहीं बोला था, तो ये जीरो ऑर्डर है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि उन कंसेप्ट में क्या चीजें आती हैं, तब आपको उस चीज को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मेन इसके यूनिट आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, बाकी नहीं आएगी चीजें, तो ये चीज ध्यान रखनी। सो ये तो था पेपर, ध्यान से हर चीज को एक बार, मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, आप इसे एक बार क्रॉस चेक मतलब खुद से भी एक बार कर लेना एनालिसिस। एक पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी विदाउट आंसर वाली, ठीक है, मतलब विदाउट आंसर वाली, आप क्वेश्चन देखना कितनी याद आ रहे हैं आपको। अगर आप 25 स्कोर कर रहे हो, 20 से अब तो यानी मतलब ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ पेपर भी अगर 25 स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो यानी बहुत पढ़ने की जरूरत है, तो फिर आंसर वाला करूंगी, ठीक है, तो वो चीज करिए। अब ऐसे हम सारे पेपर करेंगे, जिसको जितने पॉसिबल होंगे उतने करेंगे, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।